हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन रणवीर दीतिमन। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से जो वैकेंसी रिलीज हुई है, 10,000 से भी अधिक परमानेंट गवर्नमेंट टीचर की, टीजीटी पीजीटी पीआरटी की, तो एक नया नोटिस आया है जिसमें शिक्षक भर्ती की योग्यता में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसके साथ एक और नई अपडेट आई है, तो चलिए फटाफट से हम जो है वो मेन साइट पर जाकर देख लेते हैं। तो ईएमआरएस की जो है वो ये मेन साइट है जहां पर होम पेज पर ही जो है वो सामने ही आप लोगों को नजर आएगा दो बड़ी अपडेट। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑल पोस्ट हैज बीन एक्सटेंडेड, ठीक है, बढ़ा दी गई है लास्ट डेट एप्लीकेशन करने की सभी पोस्ट के लिए। 18 अगस्त 2023 तक आप लोग एप्लीकेशन कर पाओगे। मैंने भी वीडियो बनाया था कि 31 जुलाई तक आप लोग एप्लीकेशन कर दें, डेट जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अपडेट बढ़ गई है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप लोग एप्लीकेशन करें। ये डेट क्यों बढ़ाई गई है, तो इसका कारण है, दूसरी जो अपडेट है उसमें आपको पता लगेगा। इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट कैंडिडेट हैविंग 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी, ठीक है। तो यहां पर जिन्होंने 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री कोर्स किया है तो उनको भी एलिजिबल कर दिया है, एप्लीकेशन कर सकते हैं पीजीटी और टीजीटी पोस्ट में। तो ये बहुत अच्छी जो है वो बात है कि एक तो डेट बढ़ गई है, जिन्होंने एप्लीकेशन अब तक नहीं किया है किसी कारणवश तो वो लोग अप्लाई कर दें। बहुत अच्छी जो है यहाँ पर जॉब रहने वाली है, सरकारी जॉब है, आपके राज्य में आपको नौकरी मिलेगी। और यहाँ पर जो है इन स्टूडेंट को बहुत जो है वो बधाई, क्योंकि अगर बच्चे तैयारी करते हैं और नोटिफिकेशन आता है जब उनको ये लगता है कि हम एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे तो उनकी सारी तैयारी जो है वह रखी की रखी रह जाती है। ऐसे ही जो है इन बच्चों ने जो है वो एक ग्रुप बनाकर जो है वो मेल किया तो इनकी सुनी गई, ठीक है, और डेट जो है वो बढ़ा दी गई। यदि आप भी जो है आपको भी कोई जो है वो प्रॉब्लम है, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम होती है, या फिर जिन्होंने बीएड जो बीएड अपीयरिंग कर रहे हैं, बीएड लास्ट ईयर में हैं और वो भी शामिल होना चाहते हैं, तो सभी जो है अगर अपनी अपनी जो प्रॉब्लम है तो ईमेल के द्वारा अगर आप लोग भेजेंगे तो आप लोगों की भी सुनी जाएगी, जिस तरीके से इन बच्चों की भी सुनी गई। तो ये गुड न्यूज़ है और आप लोग फॉर्म भरिए, 18 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है, यहाँ सामने ही आपको नजर आएगा। अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ होस्टल वार्डन, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि एक पोस्ट में जो है वो आप एक ही फॉर्म भरेंगे, ठीक है, एक ही पोस्ट के अंदर दो सब्जेक्ट के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे। जैसे कि अगर आपने टीजीटी हिंदी और संस्कृत दोनों से भरना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, टीजीटी आप केवल हिंदी से भर सकते हैं या संस्कृत से भर सकते हैं। आप दूसरी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने हिंदी टीजीटी से और संस्कृत आपने पीजीटी से, ऐसे आप एप्लीकेशन कर पाओगे, वरना आपका जो है एक फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए, और भी नई अगर अपडेट आती है एग्जाम से जुड़ी हुई या जॉब से जुड़ी हुई तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। थैंक यू।